मैं हूं शारिक्षा और मैं हूं सामाखान। तो हाजिर रहने के साथ और आज की वीडियो में हम लोगों को रोक रहे हैं और रोक के ये लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू कर रहा हूं उनसे और उनसे पूछ रहा हूं कि आपको ट्रैफिक के क्या मुश्किलात पेश आती हैं रोड पे, और उनसे पूछ रहा हूं कि आप रूल फॉलो करते हो। कहेंगे हाँ भाई हम सारे रूल फॉलो करते हैं, जबकि उनके पास ना लाइसेंस होगा ना उनके पास हेलमेट होगा, मुझे यकीन है। और उसके बाद जब मैं आऊंगा लोगों के रिएक्शन देखेंगे। चलते हैं मेरी तरफ, देखते रहे क्या और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास एक अंकल मौजूद हैं, तो इनसे हम लोग पूछेंगे कि इन्हें क्या मसले पेश होते हैं जब ये ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं। आपको क्या क्या मसले दरपेश आते हैं, एक मैं बाइक बंद कर लें। आज आपने खुल के बताना है, मतलब जो आपको मसले पेश आते हैं। अरे एक तो वन वे बहुत ज़्यादा। हाँ जी वन वे बहुत ज़्यादा, सही हो गया। और उसके बाद आप जा रहे हैं, आपको काम है कि आप नीचे गए तीसरे लाइन, आपका ऊपर काम नहीं है। क्योंकि ऊपर से ये मसला है, गाड़ी तेज आ रही है, आप एक्सीडेंट हो सकते हैं। नहीं आप वन वे तो नहीं जाते, नहीं आप तो नहीं कानून की खिलाफ वर्जी करते। लाइसेंस है आपके पास? मेरे पास लाइसेंस घर पड़ा है। घर पड़ा है लेकिन है आपके पास? है, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना होगा। सर मैं ये मेरी शॉप है साथ। अच्छा मैं यहाँ से ये काम आया था, वापस वहाँ पे जाना। अच्छा ठीक हो गया। तो अंकल आपका, लेकिन आपको पता है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, आपके पास हेलमेट भी नहीं है, आप भी तो सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इधर आ जाएंगे एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ आपका होस्ट। तो ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसा कि आपको बताते चलें, जो सड़क में मुश्किलात पेश आती हैं ट्रैफिक की वजह से, हम इनसे आज वो इनकी राय पूछेंगे, इन्हें क्या मुश्किलात पेश आती हैं सड़क में। बस यार दुश्वारी होती है बाइक चलाते हुए। सर क्या दुश्वारी होती है, एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? बाइक पंचर हो जाती है। और नहीं नहीं नहीं, ट्रैफिक के रूल्स के बारे में पूछ रहे हैं। ट्रैफिक के रूल्स में आपको पता तो है, परेशानी है। सर क्या परेशानी होती है जब आप बाइक चला रहे होते हैं, तो आपको क्या परेशानी होती है? सर यही रश हो जाता है एक जगह पे, कोई निज़ाम नहीं है, कोई वार्डन नहीं इधर खड़ा हुआ कि चलो कोई होता है, कोई आगे पीछे कर देते हैं। अच्छा कोई वार्डन नहीं खड़ा हुआ इधर, इस वजह से मतलब कोई, मतलब सर आप ऐसे ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं सारे? हम तो करते हैं भाई, सारे फॉलो करते हैं। सर लाइसेंस है आपके पास? नहीं लाइसेंस नहीं। हेलमेट है आपके पास? वन वे तो नहीं जाते आप? सर पेट्रोल बड़ी मुश्किल से सर करते हैं पूरा, हेलमेट और ये लाइसेंस वगैरह कहाँ से बनाए यार। तो सर हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आप रोड पे जब गुजर रहे होते हैं, आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, मतलब आपको कोई तंग तो नहीं करता? नहीं आपको ये जो लोग इधर से घुस रहे होते हैं तो इसमें मतलब आपको मुश्किलात नहीं पेश आती? क्या मुश्किलात, वही पूछना चाह रहे हैं हम आवाम से। मुश्किलात तो यही है कि बाद बंदों को ड्राइव करने के लिए वन वे जा रहे होते हैं। हाँ जी बहुत गलत है, बहुत गलत होता है। ठीक है फिर अचानक से किसी की साइड को मतलब कि आगे आ जाते हैं। नहीं आप रूल फॉलो करते हैं पूरे, मतलब सारे रूल फॉलो करते हैं आप? यार वो लाइसेंस है आपका? लाइसेंस है सर, मैं सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं चलाता हूँ, मोटरसाइकिल का है मेरे। सर अस्सलाम वालेकुम, ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये हमारे सर नदीम आपका नाम था ना? अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं आपका होस्ट उसामा खान। तो जैसा कि हम लोग आज ढूंढ रहे हैं शहरियों को रोक के, उनके मसाइल पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या मसाइल रोड पे पेश आते हैं। तो जैसा कि हमने ये कम उम्र का बच्चा एक पकड़ा है, क्या नाम है आपका बेटा? अबीद। अबीद, अबीद नाम है इनका। क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 साल। माशाल्लाह 16 साल की उम्र में यामाहा बाइक चला रहे हैं ये। तो बेटा ये बाइक किसकी है? सर बात सुने, अपनी बाइक है, आपके पास लाइसेंस है, आईडी कार्ड बना है आपका कुछ? आपको सड़क में क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब आप बाइक चलाते हैं? एक तो ये रोड है। अच्छा क्या है रोड से? रोड देखे खड्डे कितने हैं, रोड पे खड्डे हैं आपको मुश्किलात में? सर ये एक हमने लड़का रोका है, तो इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ। बेटा नीचे बाइक बंद कर दें। हम लोगों से मालूमात ले रहे थे कि इन्हें क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं। हाँ। इन्होंने बताया कि लोग वन वे जाते हैं और अंधों की तरह जाते हैं। कौन जा रहा है? नहीं ये नहीं जा रहे, लेकिन ये नहीं जा रहे। आपका हेलमेट कहाँ है? दुकान पीको रोड यहाँ से तकरीबन कितनी मिनट का सफर? पीको मोड़ का सफर कितना है? 2 मिनट का नहीं। पैदल बंदा जाए कितना लगता है? मजदूर बंदा हो कितना लगेगा? आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा। इतने सफ़र में कुछ भी हो सकता है। अच्छा आपके पास आपने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वैसे भी मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी ड्यूटी यहीं पर ही है। अपना लाइसेंस या आईडी कार्ड? अच्छा आईडी कार्ड।
ये इनका चलान होगा सर? जी इनका चलान होगा सर 500 का। अच्छा, वैसे आप कौन है? मैं सर, हम लोग ये मीडिया से हैं, हम लोग लोगों से कार्ड दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये भाई साहब से मेरी बात हो रही थी। अच्छा, तो इनसे मैं ट्रैफिक के बारे में पूछा, मुश्किलात क्या पेश आती हैं, तो इन्होंने मुझे एक बात की है बहुत अच्छी। एक सेकंड, एक सेकंड। अब मुझे भी बताने देना। इन्होंने एक मुझे बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पे कोई वार्डन मौजूद नहीं होता। यहीं पे मेरी ड्यूटी है, तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, हमारा ब्रेक होता है सर। ट्रैफिक के कोई रूल्स नहीं है, इनका कहना है ये पूरे रूल फॉलो करते हैं। अच्छा चले, कोई नहीं कोई नहीं, रूल्स नहीं है ना। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना करें। अच्छा रूल्स नहीं है। आपका नाम क्या सर? अजीम। अजीम भाई जी, भाई आपका लाइसेंस बना हुआ? रूल्स नहीं है, रूल नंबर एक तोड़ा इन्होंने। जी जी, तो मीडिया पे मैं कहना चाहूँगा, ये कह रहे हैं रूल्स नहीं है, लाइसेंस इनके पास नहीं है, हेलमेट कहाँ है सर आप? अभी मजबूरी सुनिएगा, हेलमेट इंसान कहाँ से ले यार? आपके पास आपका हेलमेट कहाँ? बाइक, बाइक, मैं तो बाइक पे नहीं हूँ। मुझे तो भाई जान इधारे की गाड़ी यहाँ पे उतार के जाती है, यहीं से मैं चला जाता हूँ। यार भाई आप हेलमेट आपका कहाँ? ये हमारी कौम का हाल है सर, ये इनके पास शिकायतों के ढेर जरूर है। मैं अपने मीडिया को बताना चाहता हूँ कि इनके पास शिकायत बहुत है और शिकायतें बहुत हैं। अच्छा लाइसेंस आपके पास नहीं है? अच्छा लाइसेंस नहीं है। अच्छा इस कौम के पास लाइसेंस नहीं होता? आप गौर से देख लेंगे, इनके पास लाइसेंस नहीं होता, ठीक है? आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, आपके पास ये बाइक को चलाने की अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है इस बाइक को चलाने की। आपके इंडिकेटर्स किधर है? ओहो इंडिकेटर्स भी नहीं है यार, माशाल्लाह यार क्या बात है। ये आप देख, और शिकायतें भाई ने ऐसे लगाई है जैसे, ये आप देख ले ये बाइक इस काबिल नहीं है। अच्छा आप इनका, आप कुछ करेंगे नहीं, चलान वगैरह करेंगे आप? चलान में जी जी कितने का? सबसे पहले तो वॉयलेशन किया ट्रैफिक की, बिल्कुल ऐसी है, इस पे इंडिकेटर्स नहीं है। अब आपको क्या पता आपने इधर जाना, हमने इधर जाना या नहीं उतर जाना? अभी आप कुछ बात क्यों, कोई ट्रक मार जावे, पिछली लाइट नहीं बलदी भाई, बिल्कुल पीछे इशारे नहीं गए, हॉर्न ताड़ा नहीं गया, नहीं है। ये देखे बाइक की आप हालत देख रहे, ये ट्रैफिक की SOPs को भी फॉलो। सर आप इनका चलान कितने का करेंगे? हमें खुशी होगी अगर आप इनका चलान करेंगे। और यार गरीब मजदूर बंदा, ज्यादा चलान नहीं करूंगा इनका। जी ट्रैफिक वायलेशन का। अच्छा होगा भाई 2000 2000 का भाई चलान होगा पहला, दूसरा होगा हेलमेट का, वो भी 2000 का भाई, कम से कम 5000 का होगा, लाइसेंस नहीं है। 5000 का चलान होने जा रहा है इन भाई को। क्या नाम है आप? बैठ हैं अबीद। अबीद क्या भाई? ईद अबीद आई बाओ ये दा अबीद अबीद आई बाओ ये दा। सर आप इंक्वायरी करें जल्दी, मेरा टाइम नहीं है फजूल। अबीद अबीद पुतल, उम्र की नहीं तेरी? 16 अब भाई का नाम शाहिद। शाहिद पहले तो अब्बाई तो पर्चा होगा, अब्बा जी से पर्चा होगा। अब्बा जी का नंबर बताओ, फोन नंबर बताओ पापा का। ये देख रहे हैं आप सर? सर ये मैं सब देख रहा हूँ सर, ये आपकी टीम कैमरे पकड़ के हमारे पीछे चढ़ी होती है। नहीं सर वो हमारी टीम है, वो दूसरे चैनल वाले, हम लोग नहीं है। मगर है तो मीडिया ही ना। नहीं नहीं सर हम लोग थोड़ी हैं, वो हम लोग तो खुद ने की बात ये है। अब आवाम कितने को SOPs को फॉलो कर रही है, सिर्फ इस बात का जवाब मुझे चाहिए। 16 साल उम्र है इस बच्चे। जी जी, और ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो बेटा? क्या ड्राइविंग कर रहे हैं आप बेटा? इलीगल ड्राइविंग, इसमें सर कितने साल की जेल हो सकती है? इसको हो सकती है 8 साल की जेल हो सकती है। तो सर ये अभी जुर्माना हो सकता है, अभी ये 16 साल का है, तो ये 8 साल बाद 16 साल, ये 32 साल का होकर निकलेगा। इनका कितने का चलान हो रहा है? इनका कम से कम 5000 का चलान होगा। 5000 का चलान होगा? सर 5000 का होगा आपके पास? सर 5000 का कैसे चलान होगा मुझे? यार इनके पास लाइसेंस मौजूदा लाइसेंस नहीं है, और आईडी कार्ड भी एक्सपायरी है। मतलब एक साल रह गया तो एक्सपायरी हुआ ना। और हेलमेट, हेलमेट का इन्हें कितना चलान? हेलमेट का होगा तकरीबन 2000 का चलान है हेलमेट का। वन वे का चलान जो है वो भी 2000 का ही है। मेरी बात सुन ले, दुकान पे चले आपने मुझे बताया। सर मजाक कर रहे हैं यार, हेलमेट मैं नहीं कभी यूज किया था, नजर नहीं आता सही हेलमेट पा के यार। सर आपके पास वो मेडिकल रिपोर्ट एक बन जाती है, वो आइस डॉक्टर से, मेटल वाली? अच्छा हां आइस डॉक्टर से बन जाती है मेडिकल रिपोर्ट, उसमें लिखा होता है कि आप अंधे हैं, आप नहीं यूज कर सकते। थाने लेके जाने सर? हां जी अल्लाह हाफिज़। बाकी आपको लाइव दिखाए आज हमने कि किस तरह से बदतमीजी करते हैं और किस तरह से लोगों के साथ। हां जी ठीक है।
मुझे भी ले जाए सर, आप ही बैठे हो, मुझे सारे ही बैठे हो, बैठो भाई भाई बैठो, कोई बात नहीं भैया, एक तो ये कैमरा जिसके अंदर हम घुस गए और एक वो दूसरा कैमरा वो वहाँ लगा भाई, क्या किसे फोन कर भाई, बाइक बंद होगी जिसको मर्जी फोन कर, बाइक बंद करने आ जाओ साइड पे, आ जाओ भाई साइड, कुछ नहीं होता यार, देखो इसी बहाने आप लाइसेंस तो, ओए इधर इधर करो, इधर इधर देखे कैमरे के सामने ये इंसान भागने की कोशिश कर रहा है, भाई इधर खड़ी कर दो ना, आप खड़ी करो साइड पे, कैसा शिकारी बंदा पाया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन जो कि ड्यूटी में फुल मसरूफ है, पैदल जाते हुए भी हेलमेट साथ लेके घूमते हैं, और इन्होंने इसकी कोई कमाल नहीं है, इसकी शक्ल देख के जो मेरे पे करम कर, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा ऐसे क्यों लगा था, ऐसा नहीं नहीं अच्छा, ऐसा आर्टिस्ट टी बॉय लगे थे ऐसा, और आज ये देख लें इनकी मतलब कामयाबी, इनके सितारे भी नहीं अभी तक पूरे हुए, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, थैंक यू सो मच मीडिया, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरी अम्मी मेरे अबू, सर ये किसको कॉल कर रहा है, वो करने दो कोई बात, इजी हो, मेरी बुआ मेरे घर वाले चाचू मेरे सारे माशाल्लाह, मैं सबको दुआएं दूंगा यार, रहन दे बंद कर कॉल, मैं तो छुड़ा दूंगा वालों को भी, चल चले सर इन्हें माफ कर दिया जाए, इनके साथ हमने मजाक किया है कि इन्हें बता दिया जाए, मगर ये चीजें लाजमी है, ठीक है हेलमेट लिए बगैर नहीं निकलना, एक कैमरा वो लगा, अरे ये लगा वो कैमरे में स्लो स्पीड में आ रहा, मैं कौन सा अंकल भाई, कैमरे ने रिकॉर्ड किया है आपको की स्पीड से आ रहा है पिछों, जरा खिंचता आ रहा था महल च वीला, तू मारना जी सर इसे लेके चले, वीला नहीं मारता महल खिंचता नहीं क्या सर, आप लेके चले आप, कल मैं आपको बताता हूँ ये अभी आप क्या आपने मुझे कहाँ पे देखा है, आप मुझे बताएं आपने मेरे व्हील, चलो थाने चले ना, थाने चल के बात करते बैठे सर, मैं आप चलाएंगे चलो, बाइक चलो तुम ही चला के लेके जाओ, बाइक चलाओगे तो चलो नहीं, जाने दें अंकल, चलो चलो बेटा बैठो 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 बेटा, बाइक चला दो बैठो, कुछ नहीं होता हम साथ चलेंगे आपके, वहाँ जाके कवरेज करेंगे पूरी आपकी, ठीक है चलो यार, अच्छा बाइक भाई आप पीछे हो जाए, आप क्यों इतनी जोर जबर, चले आप खुद कर ले, इधर रुको, आज के बाद बाइक चलाओगे, हेलमेट पहन के लाज, तो जैसा कि छोटा सा मजाक ठीक है, मगर आपकी अवेयरनेस के लिए, लेकिन ये रियल भी हो सकता है, ठीक है ना, रियल भी हो सकता है मेरा बच्चा, घबराना नहीं है, कैमरे में हाथ देख के ला दो, और वहाँ पे देख के क्या कहना, कैम ऑन है, कैम ऑन है।